नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 9 के जरिए। इसके अलावा आप सभी हमारे तमाम कार्यक्रम देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। और दर्शकों, इस आधे घंटे के लिए हम सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का एक सत्र लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बातचीत करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति के बारे में। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आचार संहिता क्या होती है, क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कहाँ पर वोट दिए जाते हैं और किसके पास हक है वोट देने का, ये सब बहुत अहम हो जाता है आज के विषय में। तो आपको बता दें कि यदि ऐसे कोई भी प्रश्न है जो आपके जहन में आते हैं, कोई भी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप हमारे आज के विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8800-440-559। इसके अलावा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। हमारी आधिकारिक ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, dth.class9@cieet.nic.in। और अब आपका परिचय करवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल साइंस के RSBB ईस्ट विनोद नगर दिल्ली से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आज हम चुनावी राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं, और मुझे लगता है अब जो समय चल रहा है ये विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है हम सभी के लिए। तो आज हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक बार इस विषय का तारुफ कराएं हमारे सभी दर्शकों से। प्यारे बच्चों, आज हम चुनावी राजनीति के बारे में बात करेंगे कि हमारे व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव क्यों आवश्यक है, हमें चुनाव क्यों कराने चाहिए, इसकी पूरी प्रणाली क्या है, और चुनाव के लिए हमारे निकाय कौन सा निकाय चुनाव कराता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज। जी सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोकतंत्र है क्या, चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है। तो पहले हम लोकतंत्र शब्द पर चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र शब्द है क्या। डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब है आम जनता या जन जो है, और तंत्र का मतलब शासन। तो इसके शब्द से स्पष्ट है कि लोगों का शासन, जनता का शासन। और इसके संदर्भ में एक उक्ति भी प्रसिद्ध है अब्राहम लिंकन जी की, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो इसका मतलब है लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, जनता के लिए है, वो जनता के द्वारा ही होता है। अब हम आते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है। जी। चुनाव इसलिए आवश्यक है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, और इसकी अगर हम बात करें कि जो हम निर्णय लें, कोई भी निर्णय लें हम, और उसमें सब लोगों की राय ली जाए, तो वो शायद सबको इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। और सबका स्तर भी, हर व्यक्ति का ये नहीं होता कि वो जो हमारी देश की राजनीति में जो हम कानून बनाते हैं या नीतियां बनाते हैं उनमें सबकी राय ली जा सके। तो इसका हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं ने इसका जो है सॉल्यूशन निकाला कि हम इसके लिए प्रतिनिधित्मक चुनाव प्रणाली को अपनाते हैं, अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपना व्यवस्था को चलाएंगे। अब सर, हम हमेशा से जब लोकतंत्र की बात करते हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र भारत है। तो ऐसे में वोट डालना बहुत अहम हो जाता है, तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वोट कौन डाल सकता है। वोट कौन डाल सकता है, हमारे यहाँ पर जो है सार्वभौम मताधिकार है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। हम क्योंकि हमारे यहाँ पर वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष है, और सार्वभौम इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में किसी जाति, वर्ण, लिंग या उसके सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। वोट डालने के लिए हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, तो इसको सार्वभौम मताधिकार कहते हैं। और इससे पहले सर, हम इसी विषय में और आगे बढ़े, लोकतंत्र के बारे में हमने आपने बच्चों को, दर्शकों को ये तो बता दें कि भारत लोकतांत्रिक देश है, पर बच्चों के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या सारे देश जो है वो लोकतांत्रिक देश ही होते हैं,
क्या ऐसा है? जी नहीं मैम, हमारे जो विश्व है, विश्व में सारे देश लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पर जो व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था है। जैसा हमारा देश है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कई बार हम अगर मैं नाम किसी देश का ना लेकर जैसे अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो वहाँ पर आए दिन व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं जो है। लेकिन हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, बहुत से देशों में एक ही व्यक्ति है और वो ही शासन करते आ रहे हैं आगे जो हर, और वो कई बार ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपना देश चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई उससे इतर होती है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। फिर से सर एक बार चुनाव की ओर ही रुख करते हैं। जी मैम, तो अब देखते हैं कि चुनाव क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं कि अधिकांश जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन करते हैं। प्रतिनिधि मतलब जैसे हम अपने लोकसभा की बात करें तो हम अपने यहाँ से चुन के जो सांसद हैं उनको भेजते हैं, या अपनी विधानसभा की बात करें तो हम MLA वगैरह को चुन के वहाँ पर भेजते हैं, या लोकल निकाय की बात करें तो हम वहाँ से अपने पार्षद वगैरह या मेयर वगैरह इनको जो चुनकर भेजते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम अपने जो नीतियाँ हैं, जो हमारी लोकल समस्याएँ हैं, जो हमारी जन से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, उनका उनके द्वारा जो है उन किया जाता है। और किसी देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेगा, जो मतलब हमारे लिए जो जाकर संसद में विधानसभा में हमारे लिए कानून बनाएगा उनका हम चयन करते हैं, और बिना किसी चुनाव हम किसी लोकतंत्र, अगर कहीं पर चुनाव नहीं हो रहे मैम तो हम वहाँ पर किसी लोकतंत्र की जो कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पर लोकतंत्र है। जैसे कि विश्व के अनेक देश हैं जो हर बार वहाँ के जो तानाशाह हैं अपने आप को ही आगे बढ़ाते रहते हैं, वो कि अब 5 साल फिर 5 साल ऐसे करके आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। किसी भी देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जो है वहाँ चुनाव आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पर जो बहुत वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन हमें वहाँ पर लोकतंत्र बहाल करना था तो वहाँ पर हमने चुनावों की स्टार्ट किए। और सर भारत में कितने समय बाद फिर से चुनाव होते हैं लोकसभा इलेक्शंस? किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक देश है में वहाँ पर एक निश्चित अंतराल के बाद जो चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। अगर ये भी एक लोकतंत्र की एक विशेषता है या आवश्यकता है, शर्त है कि वहाँ पर एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव अवश्य होते रहने चाहिए। और जैसे अमेरिका है वहाँ पर 4 वर्ष के बाद, अलग अलग देशों की अपनी व्यवस्था हो सकती है कि वो कितने अंतराल पर वो चुनाव करवाना चाहती हैं। बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं कि मैम अगला पॉइंट कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कि इसकी क्या शर्तें हैं कि जो वो लोकतंत्र है। अब इसमें बात करते हैं हम जो हमारा देश है कि हर व्यक्ति को जो वोट करने का अधिकार है और उसके मत का मूल्य भी समान है। मत के मूल्य से मतलब है कि हर व्यक्ति जो गरीब है, अमीर है, किसी जाति से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अगर वो उसकी वोट की वैल्यू है मतलब कीमत है वही दूसरे के अमीर की भी होगी वही, तो मतलब किसी को किसी आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। और चुनाव में हमारे चुनाव में विकल्प होने चाहिए। विकल्प से क्या मतलब है कि अगर कोई किसी स्थान से चुनाव लड़ रहा है कोई प्रत्याशी, तो बाकी लोगों को भी, बाकी पार्टी के उम्मीदवारों को भी या निर्दलीय उम्मीदवारों को भी वहां से लड़ने की अनुमति होनी चाहिए, तो मतलब लोगों के पास विकल्प हो। तो सर जैसे आपने बताया कि पार्टी के बारे में तो शायद दर्शकों को पता हो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो चुनते हैं कि ये ऑन बिहाफ ऑफ देम ये चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय जो आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया, ये कौन से लोग होते हैं या ये कौन होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं जो किसी भी दल से उनको टिकट नहीं मिला होता, मतलब किसी भी दल से उन्हें नामांकन नहीं मिला होता या वो नामांकन लेना नहीं चाहते, किसी दल से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, वो केवल अपना बगैर दल के चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोगों से अपनी जो उन्होंने जनसेवा की है या और जो कार्य किए हैं या भविष्य में वो करेंगे उनके आधार पर वो उनसे वोट मांगते हैं। जी, और ये भी जान लेते हैं कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का कैसे आधार बने हैं। चुनाव जो है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। बिल्कुल। और इसमें एक मुख्य बिंदु यह है कि लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, मतलब कि जिस व्यक्ति को हम संसद में या
विधानसभा में भेजना चाह रहे हैं उसी का चुनाव होना चाहिए, मतलब वो ही चुनकर जाना चाहिए। वो कैसे जाता है, हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं मत पत्रों से होते थे पहले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, तो जितने लोग ज़्यादा व्यक्ति को चाहते हैं उसी का चुनाव हमारे यहाँ पर होता है। और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। स्वतंत्र से मतलब कोई भी तंत्र उसको डिस्टर्ब नहीं करता, जैसे केवल चुनाव आयोग के द्वारा ही यहाँ पर चुनाव होते हैं, और जो सरकार है या चुनाव आयोग है कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वो जो जीतना बिल्कुल जो जिताऊ प्रत्याशी है उसी को जिताया जाता है। और सर जैसे आपने निष्पक्ष भी कहा, इसे हम अनबायस कहते हैं, तो पूरी तरह से इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि किसी को कोई इन्फ्लुएंस ना करे। तो ऐसे में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, हम कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के बारे में सुनते हैं कि चुनाव से पहले इसे लगाया जाता है एक समय के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताएं। आदर्श, इसका पूरा नाम आदर्श चुनाव संहिता आचार संहिता। इसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ चुनावों की घोषणा होती है और चुनावों की घोषणा के समय से ही ये लागू हो जाती है और जब तक चुनाव संपन्न होते हैं उस टाइम तक ये लगी रहती है, यह एक नियमावली है जो हमारे स्टार्टिंग में संविधान में नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी आवश्यकता महसूस की गई और चुनाव आयोग ने TN सेशन सर के टाइम से ये स्टार्ट किया कि उन नियमावली को हर जो पार्टी है उम्मीदवार है उसको उसे मानना पड़ता है। अगर उसके इतर कोई जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसका कैंडिडेचर भी जो है खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है इसमें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसे कहते हैं, जब एक ही सीट से एक से अधिक उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में होते हैं तो उनको एक दूसरे का प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी समझा जाता है। अब इसके पक्ष में कि इससे फायदा होता है या नुकसान होता है, इसके अलग अलग मत हैं। इसके अब अगर मेरिट्स की बात की जाए तो इससे क्या होता है, दीर्घकालीन जो राजनीति है उसके लिए फायदेमंद है। दीर्घकालीन से मतलब कि अगर कोई सरकार कोई योजना लाना चाह रही है और वो योजना चल रही है तो वो जनता के सामने उस योजना का साक्ष्य देके कि भाई हम इस तरह की योजनाएं कर रहे हैं और भविष्य में अगर आप हमको वोट नहीं करते हो तो दूसरी सरकार आएगी और ये योजना अधर में अटक सकती है, तो ये दीर्घकालीन योजना के लिए जो है अच्छा है। और इसमें अधिक से अधिक जो है इसमें जनता से जुड़ते हैं लोग, क्योंकि अगर किसी योजना को लेकर हम जाएंगे तो वो जनता के पास जाएंगे, उनसे वोट मांगे तो अपना कोई ना कोई हम तर्क देंगे कि हमें इस आधार पर वोट चाहिए। और सर जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव होते कहाँ पर हैं, किस आधार पे वो जगह को चयनित किया जाता है और वहाँ पर कौन से अधिकारी जो होते हैं, कौन से ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से हो रहा है या नहीं। मैम, जब चुनावों की घोषणा हो जाती है, आदर्श चुनाव संहिता लग जाती है, तो पूरा तंत्री चुनाव आयोग के अंदर में आ जाता है। पूरे सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी चुनाव आयोग के अंदर कार्य करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं जो चुनाव आयोग चाहता है, और उसका पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो उसका पूरा प्रणाली है। तो ये जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता है ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जानने से पहले मैं हम चुनाव क्षेत्र के बारे में जाने कि चुनाव क्षेत्र है क्या। जो हमारा देश है उस देश को लोकसभा के हिसाब से या राज्य में विधानसभा के हिसाब से जो है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। अब चुनाव क्षेत्र में जैसे हमारे देश में हमारे लोकसभा के 543 क्षेत्रों में बांटा गया है इसे, और उसके बाद जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में बहुत से वर्ग इतने कमजोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी अन्य कारण से, तो वो अगर उनको सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ना पड़ा तो हो सकता है उनका प्रतिनिधित्व जो है संसद तक ना पहुँचे, विधानसभा तक ना पहुँचे, तो वो उनके अकॉर्डिंग कानून शायद ना बन पाए या उनके अकॉर्डिंग जो योजनाएं हैं वो ना लागू हो पाए। तो एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की जो है योजना बनाई गई कि कुछ वर्गों के लिए, इसमें यह भी देखा गया आरक्षित के लिए कि उन वर्गों की उस क्षेत्र में संख्या ज्यादा हो। जैसे हमारे यहाँ पर 412 जो क्षेत्र हैं वो सामान्य वर्ग के लिए हैं और 84 जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं,
और 47 जो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इसमें ये देखा गया कि उन जातियों की संख्या वहां पर ज्यादा। बिल्कुल। अब इसमें चुनाव प्रणाली में ही एक मतदाता सूची के बारे में बात करेंगे। जब चुनाव स्टार्ट होते हैं, मैम आपने बात की कि चुनाव की प्रणाली कैसे काम करती है, तो इसमें मतदाता सूची जब चुनावों की घोषणा हो जाती है तो एक मतदाता सूची वोटर लिस्ट बनती है। वो वोटर लिस्ट क्या होती है, जो भी योग्य उम्मीदवार मतलब वोट देने के योग्य जो कैंडिडेट हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है, इसको आधिकारिक सूची कहते हैं। आधिकारिक सूची मतलब इसी के अकॉर्डिंग वोट डाल सकते हैं जिनका नाम इसमें है, और ये हर पाँच वर्ष बाद जो है इसका नवीनीकरण किया जाता है। नवीनीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि 5 साल में कुछ नए मतदाता जुड़ जाते हैं, जो अभी 18 वर्ष के हुए हमारे नवयुवक जो अभी वयस्क हुए वो जुड़ जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं मतलब दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उनकी वोट दूसरी जगह पड़ जाती है। तो ये मतदाता सूची केवल जो योग्य जो है हमारे सदस्य उनकी ही बनती है। अब इसके बाद इसकी चुनाव प्रणाली में अगला हुआ था उम्मीदवारों का नामांकन। जब जो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसको अपना नॉमिनेशन कराना पड़ता है। नॉमिनेशन में क्या है, उसे कुछ घोषणाएं भी करनी पड़ती हैं। वो क्या घोषणाएं हैं, उसकी उसके खिलाफ कोई जो आपराधिक मामला तो नहीं है, उसकी और उसके परिवार की जो संपत्ति के बारे में और एक शैक्षिक योग्यता के बारे में, ये उसे अपने नामांकन पत्र में चीजें देनी होती हैं। और ये लोगों के सामने भी मुझे लगता है इसे प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कर सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है उसका जी। कि लेकिन ये आम लोगों के लिए कि वो किस तरह का प्रत्याशी चुनकर अपने लिए भेजना चाहते हैं कि उसके लिए। और एक है इसका अगला बिंदु है कि चुनाव अभियान, कि चुनाव अभियान हमारे यहाँ कब चलते हैं। तो मैम जब जो जब हमारे जो कैंडिडेट हैं इन्होंने नामांकन कर दिया जी, और उसके बाद उनके नामांकनों की जांच करता है चुनाव आयोग, जो भी डीएम स्तर पर होता है, हर जिला स्तर पर होता है, और वहाँ पर जांच के बाद जब अंतिम सूची आती है कि भाई ये उम्मीदवार योग्य हैं चुनाव लड़ने के, तो उसके बाद चुनाव अभियान की उन्हें परमिशन दी जाती है। और ये लगभग 2 सप्ताह का समय होता है जिसमें वो आम जनता के पास जा करके अपने लिए वोट मांगते हैं, वो बताते हैं कि हमने पूर्व में क्या जानकारी की है और या हम भविष्य में आपके लिए क्या कार्य करेंगे। बिल्कुल। और अगला पॉइंट है आचार, आदर्श आचार संहिता, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं जी। और इसका चुनाव प्रणाली का अंतिम जो बिंदु है वो मतदान और मतगणना। मतदान किसे कहते हैं, मत और दान, वोट डालना, मतलब अपने मत को दान करना। दान से क्या मतलब है कि उसके बदले में कोई पैसे नहीं लेने, किसी से रिश्वत नहीं लेनी या किसी के इन्फ्लुएंस में अपना प्रतिनिधि चुनना। और मतगणना कब होती है, ये इसका अंतिम चरण होता है जब वोट डल जाती हैं, और वोट डलने के बाद जब हम चले जाते हैं जो है अपने घर, और वो हमारे मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और उसके लिए जब पूरे देश में चुनाव अलग अलग चरणों में होता है, लेकिन जो उनकी वोट खुलती हैं वो लगभग एक ही दिन खुलती हैं, और उसके बाद प्रत्याशियों की कौन कौन विजयी हुए उनकी घोषणा हम मतगणना के द्वारा करते हैं। तो सर यहाँ पर आपने ये मतदान का जिक्र किया, अब एक व्यक्ति कितने वोट डाल सकता है, आप हमें ये भी बताइए। मैम एक जो है एक व्यक्ति केवल एक वोट डाल सकता है। एक वोट केवल, कई बार क्या होता है कि दो चुनाव हो रहे होते हैं जी, कि विधानसभा का भी और लोकसभा जी, का भी जी। तो एक वोट लोकसभा के लिए डाल सकता है, एक विधानसभा के लिए डाल सकता है। और ये हक उन सभी को मिलता है जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी को मिलता है, लेकिन कुछ मामलों में जो मतलब अपराधी हैं या मानसिक विक्षिप्त हैं उन लोगों को छोड़कर, वो भी विशेष मामलों में केवल। और जब हम इस बात को सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे वाकई ही फर्क पड़ता है। एवरी वोट काउंट्स। बिल्कुल, एक वोट से फर्क पड़ता है मैम, क्योंकि अगर यही हर व्यक्ति सोचेगा कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा और वो अपने घर पर बैठे रहेंगे तो ये सही मायनों में लोकतंत्र नहीं होगा। और ये लोकतंत्र की सुंदरता के लिए जरूरी भी है कि हर व्यक्ति उसमें, और ये आवश्यक शर्त भी है कि हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे। और हमारे यहाँ जो भारत देश है, यहाँ पर हमारे जो बाकी जो देश हैं, बाकी देशों में क्या होता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं या निम्न वर्ग हैं या जो कमजोर वर्ग हैं वो वोट करने कम जाते हैं, और जो सक्षम लोग हैं, जो
मतलब हर तरह से सक्षम है, वो ज्यादा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कमजोर वर्ग है हम अगर देखें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। सर यहाँ पर हमारे पास सत्र में केवल 4 से 5 मिनट का समय शेष है, तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप ये जो चुनाव की प्रणाली है, प्रक्रिया है, इससे भी हमें आप अवगत कराएं। चुनाव की प्रणाली के ज्यादातर बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ही ली है। अब चुनाव में कि ये देखते हैं कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। एक आम चुनाव होता है, जो अब चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा का, जो पूरे देश में होता है, और दूसरा होता है उपचुनाव। कई बार क्या होता है कि जो है किसी वजह से किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, चुनाव जीतने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, या वो किसी उच्च पद के लिए चला गया, भाई जैसे विधानसभा में जीते वो राज्यसभा में चले गए या सांसद बन गए, तो वो पद खाली हो जाता है, उसके लिए दोबारा से चुनाव कराना पड़ता है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो आदर्श आचार संहिता है वो केवल जब उपचुनाव होगा तो केवल जो उस क्षेत्र में लगेगी, उस विधानसभा या लोकसभा में जिससे वो उपचुनाव हो रहा है, वो अब पूरे देश में, पूरे राज्य में वो नहीं लगेगी। यानी विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं जी, और लोकसभा के इलेक्शंस जो अभी आने वाले हैं जिनमें हम अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं। लोकसभा के चुनाव जिन्हें आम चुनाव भी बोलते हैं वो पूरे देश में होते हैं, और विधानसभा के चुनाव एक राज्य में होते हैं जी। और इससे तीसरा भी है स्थानीय चुनाव जी, जो हमारे ग्रामीण स्तर पर या नगर पालिका और नगर निगम में होते हैं, वहाँ के लिए जो प्रधान या सरपंच बोलते हैं उन्हें ग्रामीण स्तर पर, और वहाँ पर वार्ड मेंबर होते हैं उन्हें शहरों में पार्षद भी बोलते हैं। बिल्कुल, और ये मौका हमारे बच्चे तो शायद छोटे हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, पर उनके अभिभावक और शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े हैं या उनके विभिन्न रिश्तेदार जो हैं, आप सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप अपना वोट जरूर डालिए, बिकॉज एवरी वोट मैटर्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, और साथ ही बचपन से ही बच्चों को ये पता होना चाहिए बुनियादी आधार पर ही कि कितना ज़रूरी है एक लोकतंत्र में कि आप अपनी राय जाहिर करें अपने वोट के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए थे सामाजिक विज्ञान के इस सत्र में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सत्र आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ हमने यहाँ पर सीखा है और समझा है। और दर्शकों इसे तो हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, पर कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे गणित का सत्र लेकर, तो मैथमेटिक्स के अपने इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, पार्ट वन रहेगा, मतलब पहला भाग होगा क्वाड्रिलेटरल्स का। और कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस सत्र के लिए, आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही समय में हम फिर से वापस हाजिर होंगे। तो आप देखते रहिए ई विद्या चैनल्स, बने रहिए एनसीईआरटी ऑफिशियल के साथ। नमस्कार।